हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 31 अक्टूबर 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को लेकर। देखो, अभी आपको बताया कि 13वां इंडिया और जापान के बीच में शिखर सम्मेलन हुआ था, तो उसमें भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो जापान की यात्रा पर गए थे और शिंजो आबे से वहां मिले और काफी सारे एग्रीमेंट्स हैं, बातचीत वगैरह हुई थी। तो देखो, मैंने जैसे कल हम डिस्कस भी किया था कि मैक्सिमम जो पॉइंट है वो तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इंडिया की जापान रिलेशन है, जीएस के पेपर 2 आईआर में वहां पे इंपॉर्टेंट है, वो हो जाते हैं। बट यहाँ पे अभी एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इंडिया और जापान ने दोनों ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है वो साइन किया है। तो हम ये जानते हैं कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है वो है क्या की। देखो, पहले तो इसका मतलब समझते हैं, फिर ये जानते हैं कंटेक्स्ट के मुताबिक। देखो, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे इंडिया का एग्जाम्पल, हाँ, इंडिया और जापान के बीच में हुआ है। अब देखो, इंडिया अगर जापान से कुछ भी इम्पोर्ट कर रहा है तो सिर्फ जो भी पैसा पे करना होता है वो एक्चुअली डॉलर में पे करना होता है। मतलब सारा पैसा ऐसा नहीं है कि इंडिया इंडियन रुपीज में दे सके, उसे डॉलर में ही पेमेंट करना होता है। इसी तरीके से अगर इंडिया बाहर से कुछ इंपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए भी उसे ऑब्वियसली डॉलर में पेमेंट करना होगा, और अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो भी इंडिया को बदले में डॉलर ही मिलता है। मतलब सारा काम बाहर की हम जो भी देखेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो बेसिकली डॉलर में होता है। ऐसा नहीं कि इंडियन रुपीज में ही होता है, क्योंकि डॉलर की वैल्यू आपको पता है सब जगह चलती है, इसलिए इंडियन रुपीज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए इसकी उतनी वो नहीं है। अब है क्या इस एग्रीमेंट में? इस एग्रीमेंट में ये प्रावधान किया है इंडिया और जापान ने कि अगर इंडिया को फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि हाँ भाई हमारा फॉरेक्स रिजर्व थोड़ा दिक्कत में आ रहा है, तो उस कंडीशन में इंडिया और जापान दोनों अपने ट्रेड को लेकर जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो भी पेमेंट करना होगा ना, वो अपनी लोकल करेंसी में इंडिया कर सकेगा। ध्यान रखना कि इंडिया अपनी लोकल करेंसी यानी रुपीज में अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो कर सकेगा केवल और केवल जापान के साथ। और इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है? ओनली एट जरूरत के टाइम पे, मतलब जब इंडिया को जरूरत होगी, मजबूरी होगी ना, उसी कंडीशन में। ऐसा नहीं है कि आगे से इंडिया जापान के साथ कोई भी एक तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करेगा, बिजनेस करेगा, तो उसमें इंडिया इंडियन रुपीज में पेमेंट करेगा। नहीं, जब भी इंडिया को जरूरत पड़ेगी तभी। जैसे देखो, अभी रिसेंटली क्या हो रहा था, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस वो बढ़ रही थी, तो इंडिया का थोड़ा फॉरेक्स रिजर्व है वो एक तरीके से थोड़ा खाली हो रहा था। इसी के साथ बात करें कि देखो, अभी आपको पता है कि इंडियन करेंसी है उसकी वैल्यू भी काफी कम हो रही थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा रुपीज वो स्ट्रेस में आ रहा था, तनाव में, इसलिए उसकी वैल्यू कम हो रही थी। तो ऐसे मौके पे इंडिया इस एग्रीमेंट का यूज है वो कर सकता है। तो कंटेक्स्ट ये है कि जापान ने इंडिया के साथ $75 बिलियन का ये एग्रीमेंट साइन किया है कि इंडिया है वो जापान के साथ $75 बिलियन का इंडियन रुपीज में ट्रेड है वो कर सकता है, जब भी ऐसी कुछ जरूरत है, सिचुएशंस आ जाए उसके मुताबिक। मतलब कोई भी थर्ड पार्टी की करेंसी की जरूरत हो वो नहीं पड़ेगी यहाँ पे। अदरवाइज हम जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर कुछ भी खरीदना है, बेचना होता है, तो बेसिकली मेनली डॉलर में ही पेमेंट है वो होता है, इसलिए आपको पता है कि डॉलर की डिमांड वो हमेशा ज्यादा होती है। अब फायदा क्या होगा? इंडिया की लोकल करेंसी में ट्रेड हो जाएगा, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंडिया को ज्यादा दिक्कत है वो नहीं आएगी। बस ये चीज हमें ध्यान रखना है कि केवल जरूरत पड़ने के टाइम पे ही इस एग्रीमेंट का यूज हो किया जाएगा, नॉर्मली डेज में नहीं। इसका फायदा एक तो ये हो जाएगा इंडिया को कि एक तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है या जो फॉरेक्स एक्सचेंज है वो स्टेबल रहेगा। इसके साथ ही इंडिया के कैपिटल मार्केट में भी आप बोल सकते हो कि डॉलर की कमी है वो नहीं होगी, तो ये बेनिफिट इंडिया को होने वाला है। इससे बेसिकली सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से भी जाना गया है कि इंडियन रुपीज के लिए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का काम है वो करेगी। तो यह दो चार फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। यूपीएससी पूछ सकती है कि रिसेंटली कौन से कंट्री के साथ इंडिया ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है, भूटान, नेपाल, जापान, इस तरीके से, तो वहां हमें पता होना चाहिए। हमें यह भी पता होना चाहिए कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में क्या हो, केवल जरूरत पड़ने के टाइम पे ही लोकल करेंसी में पेमेंट है वो किया जा सकता है, तो उसके लिए एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है बेसिकली नेशनल वाटरवेज 1 को लेके। देखो, पहले तो हम जानते हैं कंटेक्स्ट को, फिर हम अच्छे से इसको डिस्कस है वो करेंगे। नेशनल वाटरवे 1 को कंटेक्स्ट लेके अभी ये आया है, कुछ इतना खास तो नहीं है, बट हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि देखो काफी टाइम से नेशनल वाटरवे 1 पे काम है, वो चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अभी कंटेक्स्ट ये था कि बेसिकली कोलकाता से लेके वाराणसी तक नेशनल वाटरवे 1 है वो एक्चुअली एक्टिव फॉर्म में आ गए, और इसमें यहाँ पे हम बात करें तो इसमें जो कंटेनर वगैरह शिप है वो अभी जाएंगे, तो उसको लेके अभी आया है कि आजादी के बाद पहली बार नेशनल वाटरवे 1 पे बेसिकली आप बोल सकते हो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है बड़ी मात्रा में वो स्टार्ट होने वाला है, तो उसको लेके न्यूज है वो आई है। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि नेशनल वाटरवे 1 है वो कहाँ से कहाँ तक है, और इसके बारे में दो चार फैक्ट है वो जानते हैं। हम बात करें नेशनल वाटरवे 1 की सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो देखो बेसिकली इसे एक्चुअली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था जिसका नाम था जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है कि जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट के तहत बेसिकली गवर्नमेंट ने नेशनल वाटरवे 1 का निर्माण है वो किया था। अब देखो, कुछ जगह तो इसकी लेंथ है वो 1390 किलोमीटर है, कुछ जगह 1600 किलोमीटर के आसपास है, तो हमें एग्जैक्टली इस चीज पे परेशान होने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि अगर इलाहाबाद को काउंट किया जा रहा है तो इसकी लेंथ बढ़ जाती है, और वाराणसी तक तो इसकी लेंथ है, हल्दिया से वाराणसी, वो 1390 किलोमीटर ही है। अब बेसिकली डेवलप किसके द्वारा किया गया है, यह डेवलप किया गया है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWEI, इसके द्वारा बेसिकली नेशनल वाटरवे वन है वो डेवलप है, वो किया गया है। और अहम बात क्या है, इसके लिए जो फंडिंग दी गई थी वो दी गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो ये फैक्ट भी हमें ध्यान रखना है कि नेशनल वाटरवे वन के लिए जो फंडिंग प्रोवाइड करवाई गई थी, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई थी, वो दी गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्टार्टिंग में इसका प्लान था वो था गंगा भागीरथी हुगली रिवर पे, तो यह हमें ध्यान रखना है कि गंगा भागीरथी और हुगली रिवर के ऊपर नेशनल वाटरवे वन है वो बनाया गया था, कहाँ से कहाँ तक है यह चीज हमें ध्यान में रखनी है, इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक। अब देखो अगर हल्दिया से लेके, ये हल्दिया होगा, यहाँ से लेके अगर हम बात करें बेसिकली वाराणसी तक, तो इसकी लेंथ है वो हो जाती है 1390 किलोमीटर, अदरवाइज इसकी लेंथ है वो 1620 किलोमीटर होती है इलाहाबाद तक। तो ये बेसिक थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इसके बारे में ध्यान वो रखना है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है, इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बेसिकली इसको डेवलप है वो यहाँ पे किया गया है, तो ये फैक्ट भी हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखना है। अब हम देखते हैं आगे और फैक्ट के बारे में, आगे हम बात है कि कौन कौन से स्टेट के अंदर ये बेसिकली है। एक तो नेशनल वाटरवे वन है वो मतलब फ्लो करता है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। नेशनल वाटरवे वन है तो वो बेसिक देखो यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इन चार स्टेट से फ्लो है वो करता है। अब देखो आपको लग रहा होगा कि झारखंड से कहाँ पे, देखो आप गौर से यहाँ पे देखिए कि ये जो झारखंड वाला एरिया, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो हो गया वेस्ट बंगाल पूरा का पूरा, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा एरिया यहाँ पे हल्का सा, तो मतलब झारखंड भी इसमें इंक्लूड है, तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये फिर बिहार है, फिर यहाँ पे यूपी हो गया, तो चार स्टेट में बेसिकली ये फ्लो है वो करता है। अब जो अभी रिसेंटली इसमें जो शिप चला गया है, जहाज चला गया, उसका नाम है MV Aran Tagore वेसल, तो ये हमें ध्यान में रखना है थोड़ा सा फैक्ट के तौर पर कि अभी रिसेंट जो कंटेनर यहाँ से स्टार्ट होंगे वो बेसिकली MV Aran Tagore वेसल की हेल्प से ट्रांसपोर्ट है वो किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। देखो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो एक स्टेचुरी बॉडी है जो कि बेसिकली इसका हेडक्वार्टर है वो नोएडा के अंदर है, तो यह चीज हमें ध्यान रखनी कि यूपी में इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। काम क्या है इसका, काम बेसिकली है कि नेशनल वाटरवेज हो या फिर इंडिया के अंदर जो भी वाटरवे वगैरह की बात करो, चाहे नेशनल हो चाहे नॉर्मल हो, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी काम करती है, उनकी निगरानी वगैरह काम है वो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। एक तो ये भी ध्यान रखनी है कि फाइनेंशियल एड किसके द्वारा दी गई है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है CSIR के बारे में, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में। देखो ये बॉडी काफी काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको एग्जाम में कोई भी फैक्ट वगैरह हो तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ रिसर्च करती रहती है और वो रिसर्च काफी अहम होती है। और दूसरा रीजन ये है कि CSIR के जो चेयरमैन है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, तो जिन भी बॉडीज के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं वो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि UPSC का ध्यान उस पर ज्यादा रहता है और ऐसे ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो अभी CSIR न्यूज में क्यों, वो देखते हैं। अभी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है वो न्यूज में इसलिए है क्योंकि इन्होंने अभी हम बात करें तो एक तरीके से पॉल्यूशन फ्री पटाखे हैं उनका टेक्निक है वो अभी ईजाद है वो की थी। देखो बेसिकली एक चीज तो छोटा सा फैक्ट ये ध्यान रखना है कि पॉल्यूशन फ्री पटाखों का मतलब ये नहीं है कि उनसे पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं फैलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं है। पॉल्यूशन फ्री पटाखों का मतलब ये है कि उनमें पॉल्यूशन कम होगा, नॉर्मली जैसे पॉल्यूशन ज्यादा है तो उससे 35 से 40% पॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा। जो फायर क्रिया जो पटाखे होते हैं इनमें बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो पाए जाते हैं और इनकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। हम जानते हैं कि इनमें PM 2.5 और PM 10 बहुत ज्यादा होता है और उसकी वजह से ही दिल्ली NCR के एरिया में काफी बार इमरजेंसी भी लगाने को देखने को हमें मिलती है। तो एक तो ये ध्यान रखने की फायर क्रैकर्स में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो होते हैं। और ग्रीन पटाखे की जो बात की जा रही है, जो कि ऑर्गेनिक पटाखे जिन्हें बोल रहे हैं CSIR के द्वारा डेवलप किए गए हैं, वो है क्या, इनमें देखो जो जैसा मैंने आपको बताया कि पॉल्यूशन है वो 35 से 40% कम होगा, बस यही चीज ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि जीरो पॉल्यूशन होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो ये फैक्ट हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखना है। अब हम जानते हैं CSIR के बारे में, वैज्ञानिक एंड औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत के बारे में। सबसे पहला फैक्ट इसका एक ही है कि आजादी से पहले 1942 में इसको बनाया गया था, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। इसके प्रेसिडेंट या जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, और इसका जो फंड है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प से, मतलब उसके द्वारा फंड है वो CSIR को प्रोवाइड करवाया जाता है। वैसे तो बेसिकली सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है
उसके तहत एक ऑटोनोमस बॉडी है जो सेल्फ रेगुलेट है वो की जाती है। अब देखते हैं इसका काम क्या है भाई, काम भी तो देखें कुछ। काम इसका यह है कि इंडिया में रिसर्च वगैरह करनी हो, चाहे फूड की बात हो, चाहे एरोस्पेस से रिलेटेड हो, चाहे लेदर इंडस्ट्री हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे मेटल हो, मतलब इंडिया में किसी भी एरिया के लिए रिसर्च वगैरह करनी हो, इनोवेशन वगैरह का काम है वो बेसिकली सीएसआर के द्वारा किया जाता है। तो हर फील्ड में बेसिकली ये काम है वो करती है, चाहे मरीन रिसर्च करनी हो या फिर किसी तरह की और भी रिसर्च हो एनिमल्स वगैरह पे, वो सारी रिसर्च सीएसआईआर के द्वारा डेवलप की जाती है। कोई बैटरी बनानी हो नई टेक्नोलॉजी की, तो ये सारे काम सीएसआईआर है वो ही करती है। इसके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो होते हैं मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री है, उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इसके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इसके साथ इसके जो मेंबर होते हैं बाकी, उनका कार्यकाल 3 साल होता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी ग्रीन पटाखे या फिर हम जिन्हें बोल सकते हैं ऑर्गेनिक जो पटाखे, उनमें है क्या, उनमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो कम होगा 35 से 40%। बेसिकली जब भी पटाखे जलाए जाएंगे तो इनमें सेफ वाटर रिलीजर है वो होगा, इसके साथ SAFAI और इसके साथ स्टार टेक्नोलॉजी है वो यूज की गई है। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इफेक्ट, तो बस यही पता होना चाहिए ग्रीन पटाखे है क्या, किसके द्वारा डेवलप किए गए और CSIR के बारे में जो फैक्ट्स हैं वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आया है CCTNS के बारे में, तो हम इसे देखते हैं। CCTNS का मतलब है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क। देखो बेसिकली हम बात करें, कंटेक्स्ट अभी इसका ये है कि CCTNS को जब से इंप्लीमेंट किया गया है तो इसके क्या क्या अचीवमेंट हैं उनको लेके अभी न्यू दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की गई थी। देखो इंडिया में एक प्लान लाया गया था जिसका नाम था नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, मतलब इंडिया में गवर्नेंस है उसको डिजिटल रखना है ताकि एक तो कागजी कार्रवाई कम हो, ट्रांसपेरेंसी हो, करप्शन को कम किया जा सके। इसलिए प्रशासन को सारा डिजिटल करने के लिए नेशनल ई गवर्नेंस प्लान लाया गया था और उसी के तहत CCTNS यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क है वो 2009 में स्टेबल है वो किया गया था। तो अभी इसके लिए कॉन्फ्रेंस वो हुई थी कि 22 की जो थीम थी वो थी गुड प्रैक्टिसेस एंड सर्विसेज सक्सेस स्टोरीज। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि इस बार की जो थीम थी जो अब जो उसकी वो है क्या। अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि CCTNS का काम क्या है। देखो CCTNS के द्वारा बेसिकली किया गया था कि स्टेट के जो भी पुलिस स्टेशन है, एक स्टेट के नहीं सभी स्टेट की बात यहाँ पे की जा रही है, यूटीज और स्टेट और सेंट्रल, इनके पुलिस स्टेशन को सभी को एक साथ कनेक्ट किया जाएगा। मतलब एक सेंटर में सबको एक जगह कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे फायदा क्या होगा कि अगर कोई भी कंप्लेन वगैरह किसी कहीं भी सेंड करनी हो तो डिजिटल तुरंत सेंड की जा सकती है। इसके अलावा जैसे कि ये मान लो कि कोई भी दिल्ली का अपराधी है, उसने दिल्ली में क्राइम किया, इसके बाद में वो तमिलनाडु चला जाता है और वहां जाके वो क्राइम करता है, तो पता थोड़ी चलेगा तमिलनाडु की पुलिस को भाई इसने दिल्ली में भी क्राइम किया है। बट इस नेटवर्क में क्या होगा, दिल्ली में उसने क्राइम किया तो उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन पोर्टल पर डाल देगी उस पर CCTNS नेटवर्क पे कि हाँ भाई इसने ऐसे ऐसे क्राइम है, ये पुलिस है, मतलब डाटा उसका क्या हुआ सेंट्रलाइज हो गया। अब जो ही अगर वो तमिलनाडु में वो अपराधी कोई क्राइम करता है और पकड़ा जाता है तो तमिलनाडु की पुलिस को पता चल जाएगा कि अच्छा भाई ये तो बहुत पुराना शातिर खिलाड़ी है, इसने तो दिल्ली में भी पहले क्राइम वगैरह किए। तो एक तो क्या होगा ट्रांसपेरेंसी आएगी और एक जो भी इस तरीके के भागने या भगोड़े लोग हैं इनको पकड़ने में काफी हेल्प है वो मिलेगी। कि देखो इंडिया की टेरिटरी काफी बड़ी है, तो कई बार क्या होता है अपराधी एक स्टेट में क्राइम करते हैं फिर दूसरे स्टेट में भाग जाते हैं। जिस तरीके से दिल्ली में निर्भया केस हुआ था तो उसके बाद अपराधी हैं वो अपने लोकल स्टेट में चले गए थे। तो ऐसा अमूमन होता है कि अपराधी एक जगह क्राइम करते हैं फिर दूसरे स्टेट में भाग जाते हैं दूर, तो पुलिस की पहुंच नहीं हो पाती। बट अब होगा क्या, सारे पुलिस स्टेशन है उनको डिजिटल कर दिया गया, तो अगर एक जगह भी FIR दर्ज होगी तो मतलब सारे पुलिस स्टेशन के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि हाँ भाई है, तो उसके बाद में फिर एक्शन से वो ली जा सकती है। इसके साथ ही कई बार क्या कि पुलिस वाले FIR दर्ज नहीं करते थे, FIR में काफी गफलत धांधलेबाजी होती थी, तो उनमें भी काफी मदद है वो मिलेगी क्योंकि FIR डिजिटल हो जाएगी तो उसको बाद में मिटाना काफी मुश्किल है वो हो जाएगा। तो इसलिए काफी कुछ बेनिफिट इससे होने वाले हैं, हमारा जो क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम है इसमें काफी सुधार रहेगा और इसमें काफी ज्यादा लोगों को बेनिफिट भी मिलने वाले हैं। तो अभी उसके लिए बेसिकली आर्टिकल है वो आया था। ये थी आज की हमारी डिस्कशन, अब एक बार थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं फिर हम देखते हैं आज के क्वेश्चन। सबसे पहले हमने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के बारे में जाना कि अभी रिसेंटली इंडिया और जापान ने $75 बिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया। इसमें होगा क्या, इंडिया है और जापान है दोनों आपस में ट्रेड के लिए अपनी लोकल करेंसी का यूज करेगा, मतलब इंडिया को जापान से कुछ इंपोर्ट करना है तो इंडिया रुपीज में पेमेंट करेगा, थर्ड पार्टी यानी डॉलर की जरूरत है वो नहीं होगी। कब, जब इंडिया को कोई खास जरूरत होगी उसी कंडीशन में। इसके साथ हमने नेशनल वाटरवे 1 के बारे में जाना कि नेशनल वाटरवे 1 है वो इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक बनाया गया है, 4 स्टेट में फ्लो करता है, तो अभी इसमें कंटेनर है वो अलाउ कर दिए गए हैं, तो कंटेनर का शिप है वो भी एक्टिव फॉर्म में आ गया है, तो उसको लेके आया। तो हमें पता होना चाहिए कि नेशनल वाटरवे 1 है वो कहाँ पे है,
इसके साथ ही जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। इसके साथ हमने जाना CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में, जिसके प्रेसिडेंट है वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसी के साथ हमने CCTNS सिस्टम के बारे में जाना, जो कि किस तरीके से काम है वो करता है। तो अब हम देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। देखो आपको पहला क्वेश्चन है वो है बेसिकली यहाँ पे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक से रिलेटेड, स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको दो स्टेटमेंट बता रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट ये है कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है वो किसी को लोन नहीं दे सकते। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो 75% जो ब्रांच है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की वो रूरल एरिया में होनी चाहिए या कंपलसरी है। अब दोनों स्टेटमेंट को आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। नेक्स्ट जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है अटल भूजल योजना को लेकर। तो आपको अटल भूजल योजना के बारे में पहला स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ वो है कि अटल भूजल योजना है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पहला स्टेटमेंट तो हो गया। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि अटल भूजल योजना है इसको फंड है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा प्रोवाइड है, वो करवाया गया है ADB के द्वारा। और तीसरा स्टेटमेंट ये है कि इसका जो काम है अटल भूजल योजना का वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है। तीन स्टेटमेंट बताएं। पहला स्टेटमेंट है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, दूसरा है कि फंड है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है, और तीसरा है कि इसका काम है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना। तो इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन है आज का, एक सेकंड, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है एक्स प्राइज को लेके। पहला स्टेटमेंट ये है एक्स प्राइज वुमेन सेफ्टी स्टेटमेंट है बेसिकली कि इंडिया के द्वारा बेसिकली डेवलप है वो किया गया, मतलब एक्स प्राइज वुमेन सेफ्टी जो प्राइज है वो इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया, ये तो हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि यह UN के द्वारा सपोर्टेड है। तो ये आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब हम बात करें आज के चौथे क्वेश्चन की, वो है ब्राक एट मिसाइल को लेके। पहला स्टेटमेंट ये है कि ब्राक एट मिसाइल है वो फ्रांस के द्वारा डेवलप है वो की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ब्राक एट मिसाइल की रेंज है वो है 500 किलोमीटर, मतलब अप टू 500 किलोमीटर, मतलब मैक्सिमम रेंज है वो 500 किलोमीटर है। ये दो स्टेटमेंट हो गए। तो ये थे बेसिकली आज के हमारे चार क्वेश्चन। इनके जो आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करवाएं, फिर आगे हमारी डिस्कशन है इसमें और ज्यादा क्वेश्चंस को हम इम्प्रूव करेंगे। तो आज से डिस्कशन में थोड़े चेंजेस किए गए और धीरे धीरे जो उसका फॉर्मेट है वो और भी चेंज है वो किया जाएगा जल्दी ही। तो आप इनके जो आंसर्स हैं वो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर है वो प्रोवाइड करवाएं। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।